हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ रेखा, आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके साथ नई रेसिपी शेयर करने वाली हैं। आपने भाजी की पूरी, आलू की पूरी, सादा पूरी तो बहुत खाई होंगी, पर दाल की पूरी नहीं खाई होगी। ये पूरी बहुत ही हेल्दी होती है, बच्चे दाल खाने से कतराते हैं, तो आप इस तरह से दाल की पूरी बनाकर दे सकते हो। ये तुअर की दाल की पूरी है, खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं और खस्ता करारा होती हैं। चलिए तो फिर इसे हम देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और उसमें हम एक बड़ी कटोरी आटा डाल देते हैं। मैंने आटा डाल दिया, अब इसमें हम एक छोटी कटोरी या मीडियम कटोरी दाल डाल देते हैं। ये मेरी फ्राई दाल है, अरहर की दाल, बस इसी से आज हम पूरियां बनाएंगे। इसको भी इसमें मिक्स कर देते हैं। इसकी पूरियां बहुत ही टेस्टी लगती हैं और खुशखुशी, सॉफ्ट, मुलायम बनकर तैयार होती हैं। अब इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स आधी चम्मच, जीरे साबुत आधी चम्मच, हींग एक चौथाई चम्मच, अब साथ में जाएगा नमक स्वादानुसार आधी चम्मच। अब इन सभी को मिक्स कर देते हैं और डो के रूप में तैयार कर लेते हैं। आटे की क्वांटिटी हम इतनी लेंगे कि हमें पानी डालने की ज़रूरत ना हो, बस दाल में ही हम इसका डो लगाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, बस इसी तरह से इसका डो लगा लेते हैं। सख्त डो लगाकर तैयार करेंगे, जिस तरह से हम पूरी का लगाते हैं बस उसी तरह का डो लगाएंगे। यहाँ पे देखिए मेरा डो रेडी हो चुका है। मैंने देखिए इस तरह का डो लगाकर तैयार कर लिया है। बस अपने डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, जिससे हमारी पूरियाँ और भी सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार होंगी। 10 मिनट हो चुके हैं, चलिए डो को खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए आप डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल लेते हैं और हाथ में इस तरह से लगाकर, इसमें थोड़ा इस तरह से लगाकर अच्छे से मसल लेते हैं, जिससे ये और भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और हमारी पूरियाँ सॉफ्ट सॉफ्ट बनकर तैयार हो। कभी भी आप पूरी बनाते हैं या रोटी बनाते हैं तो आटे को थोड़ी देर लगाकर रखें, इससे रोटियाँ या पूरी हो कुछ भी बहुत ही सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार होती हैं। ये देखिए हमारा डो लग गया है, चलिए अब पूड़ियाँ बना लेते हैं। पूड़ियाँ हम बेल लेते हैं। चलिए हम यहाँ पे एक पटा ले लिया है, अब हम थोड़ा डो ले लेते हैं। देखिए मैं आपको बता रही हूँ पूड़ियाँ हम कैसे जल्दी जल्दी से बेल कर तैयार कर सकते हैं। पहले हम इस तरह से देखिए लंबाई के आकार में सिलेंडर का शेप बना लेते हैं इस तरह से, और जिस साइज़ की आपको पूड़ियाँ पसंद हो उस साइज की इस तरह से लोइयाँ काट लेते हैं। बस इस तरह से आप काट के रखिए तो पूड़ियाँ तुरंत बनकर तैयार हो जाती हैं। अब इनको हम साइड में रख देते हैं और इस तरह से देखिए लोई बना लेते हैं पेड़े के आकार में, मैंने यहाँ बना ली। बस अब इस तरह से हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं। देखा हमारी पूरी बनकर तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं मैंने इस साइज की देखिए पूरी बनाकर तैयार की हुई है। बस इसी तरह से हम सारी पूरियां बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है। ये देखिए आप देख सकती हैं, लग रही है ना कितनी अच्छी मसालेदार। इसमें हमने फ्राई दाल ली हुई थी तो इसमें जीरे भी हैं, टमाटर भी है, हरी मिर्च भी है और प्याज भी है, इसलिए ये पूरी बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह से आपने अरहर की दाल या तुअर की दाल की पूरी कभी नहीं खाई होगी, तो इस तरह से ज़रूर बनाइए। चलिए इनको अब हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में देखिए तेल गरम कर लिया है, ये तेल बहुत अच्छा गरम हो चुका है। इस तरह से हम आटा डाल देते हैं, ये देखिए कितने अच्छे बबल्स उठ रहा है। बस इसी तरह हम अच्छा तेल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं हाई फ्लेम पर मैंने तेल को गरम कर लिया है। बस इसी तरह का तेल हम गरम करके तैयार करेंगे। हम इस आटे को निकाल लेते हैं, अब इसमें हम पूड़ियाँ डाल देते हैं। बस इस तरह से थोड़ा हिलाते हुए पूड़ियों को हम देखिए फ्राई किए। बस ये देखिए हमारी पूड़ियाँ फूल कर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। देखिए ये कितनी बढ़िया लग रही हैं, ब्राउन ब्राउन सी। बस इसी तरह से करारी पूड़ी निकाल कर तैयार कर लेते हैं। इस तरह से पूड़ी बनाने
ये खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसे आप बिना सब्जी से भी खा सकते हो और सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरी सारी पूरी निकाल कर तैयार कर लिया है, सर्व कर लिया है। ये पूरी खाने में हेल्दी होती है, बच्चे दाल खाने से कतराते हैं, तो इस तरह से आप पूरी बनाकर उन्हें दें, बच्चे बहुत ही प्यार से खाएंगे और उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। ये पूरी खस्ता करारा लगती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो आपको तुरंत देखने को मिलेगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ।